नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ईपीएफओ ने ई-नॉमिनेशन फाइल करना कंपलसरी कर दिया है। इसके बगैर आप पीएफ पासबुक भी नहीं दे सकते पीएफ पोर्टल पर, और इसके अलावा आपके लिए सभी तरह के एडवांस क्लेम पारा जो होते हैं वो नहीं शो होंगे, यानी कि सभी तरह के एडवांस क्लेम आप नहीं कर पाएंगे। तो आप कंपलसरी कर दिया है, लेकिन दोस्तों इससे जुड़ी और भी कुछ सवाल हैं जो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं इस वक्त। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखते रहिए और आपको ई नॉमिनेशन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो कीजिएगा ही, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि अभी ई नॉमिनेशन के बगैर जो है पासबुक भी नहीं दिख रहा है, तो अभी होड़ मची हुई है सभी में ई नॉमिनेशन फाइल करने की। तो सभी जाकर पोर्टल में, इस साइट से यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में जो है अपना ई नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। तो इस वजह से आप में से कई लोगों के ये भी सवाल आ रहे हैं कि साइट सही से नहीं चल रहा है, साइट लोड नहीं हो रहा है, या तो फिर आप बीच में जैसे काम कर रहे हैं और कोई चीज़ आगे बढ़ते हैं जैसे, तो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जा रहा है। तो दोस्तों ये सारी परेशानियाँ जो है हो सकती हैं, क्योंकि अभी सभी लोग ई नॉमिनेशन फाइल करने में लगे हुए हैं, यहाँ का सर्वर में जो है इतना लोड होगा अभी, तो इस वजह से ऐसी दिक्कतें ये होती ही हैं। तो उसके लिए आप जो है घबराएं नहीं, आपको बार बार थोड़ा रिट्राई करना पड़ेगा और ई नॉमिनेशन का प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये। अब पहला सवाल जो है बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहा है कि ई नॉमिनेशन फाइल करने की लास्ट डेट क्या है, क्या इसके लिए कोई डेडलाइन घोषित की गई है ईपीएफओ की तरफ से? तो इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, जी नहीं, इसका कोई भी डेडलाइन नहीं है, लास्ट डेट नहीं है। ईपीएफओ ने ऐसा कोई भी लास्ट डेट नहीं रखा है कि आपको उसी तारीख के पहले ही ई नॉमिनेशन फाइल करना है। आप जब चाहें ई नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जब तक ई नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे तब तक आप पीएफ पासबुक नहीं देख पाएंगे और सभी तरह के एडवांस क्लेम भी सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके आप ई नॉमिनेशन फाइल कर लीजिए। अब दूसरा सवाल आप में से जो अधिकतर लोग पूछ रहे हैं कि हमने ई नॉमिनेशन फाइल कर लिया है, उसे रिमूव कैसे करें, रिमूव नहीं हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, इस बात पे यहाँ पर दो टॉपिक आती है। सबसे पहला, अगर आपने केवल नॉमिनी ऐड किया है, उसे ईसाइन से वेरीफाई नहीं किया है, केवल नॉमिनी ऐड कर दिया है उसकी डिटेल एंटर करके, तो दोस्तों यहाँ पर उसे आप डिलीट कर सकते हैं, वहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, रिमूव का ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने नॉमिनी ऐड करने के बाद उसे ई साइन से वेरीफाई कर लिया है, यानी कि सक्सेसफुली नॉमिनेशन फाइल कर लिया है, तो उसे आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको उसे रिमूव करना है तो आपको फिर नया एक फ्रेश नया नॉमिनेशन ऐड करना होगा, जिसके बाद जो पुराना आपने नॉमिनी ऐड किया था, नॉमिनेशन फाइल किया था, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप नॉमिनेशन को डिलीट तो नहीं कर सकते, अगर आपने ईसाइन से वेरीफाई कर लिया है, सक्सेसफुली ई नॉमिनेशन फाइल कर लिया है, उसे डिलीट नहीं कर सकते। आप एक नया फ्रेश नया नॉमिनेशन फाइल कीजिए और उसे ईसाइन से वेरीफाई कीजिए, आपका जो पुराना वाला है वो रिप्लेस हो जाएगा आपके नए नॉमिनेशन के साथ। तीसरा सवाल यहाँ पर, नॉमिनेशन सक्सेसफुल फाइल कर लेने के बाद जो नॉमिनेशन की डिटेल हम पीडीएफ फाइल डाउनलोड करते हैं, उसमें सबसे नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो एक चीज देखने को आपको मिलता होगा, सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड। तो कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो दोस्तों इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, इसका कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये क्या लिखा रहता है, देखिए, सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड, यहाँ पर आपने सिग्नेचर जो है मैनुअली नहीं किया है, यहाँ पर फिजिकली कोई सिग्नेचर की जरूरत वैसे नहीं पड़ती है। तो इसको आप अगर थोड़ा जूम करके देखेंगे तो उसमें देखिए क्या लिखा रहता है, साइंड बाई, डेट दिया रहता है, टाइम दिया रहता है, और रीजन में लिखा रहता है ई साइन सर्विसेस। तो दोस्तों ये जो है ई साइन सर्विसेज के तरफ से साइंड किया हुआ फाइल है, और जब आप ऊपर देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी पहले से ही लिखा रहता है, सिग्नेचर इज नॉट रिक्वायर्ड एज द डॉक्यूमेंट इज टू बी डिजिटली साइंड। तो ये डिजिटली साइंड है, इसमें वैसे सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पर सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड लिखा रहता है। तो उसे देखकर आप बिल्कुल ना घबराएं, आपने अगर सक्सेसफुली नॉमिनेशन फाइल कर लिया है, आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है, तो आपकी नॉमिनेशन सक्सेसफुली फाइल्ड हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आपके कुछ अच्छे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, कुछ जरूरी सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो आप में से अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे थे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पीएफ से रिलेटेड इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ।